दुर्ग थोक सब्जी मंडी के समय में परिवर्तन किए जाने की मांग को लेकर सब्जी किसानों ने मंगलवार को भी मंडी के बाहर ही अपनी सब्जियों को बेचना शुरू किया और मंडी दलालों की मनमानी पर नाराजगी जताई। दुर्ग जिले के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब सब्जी मंडी में सब्जी लेकर पहुंचे किसानों ने अपने माल को मंडी के बाहर ही बेच डाला। दरअसल कोरोना काल के समय थोक सब्जी मंडी में सब्जी नीलामी के समय परिवर्तन कर सुबह 4 बजे कर दिया गया था, लेकिन अब जब कोरोना खत्म हो चुका है तब सब्जी लेकर मंडी पहुँचने वाले किसानों ने कलेक्टर से निवेदन किया था कि सब्जी नीलामी के समय में परिवर्तन कर सुबह 9 बजे कर दिया जाए। कलेक्टर के द्वारा किसानों की मांगों को देखते हुए समय में पुनः परिवर्तन कर सुबह 9 बजे सब्जी नीलामी की घोषणा की गई थी। बावजूद इसके मंडी के दलालों ने प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करते हुए समय में परिवर्तन नहीं किया और सुबह 4 बजे ही सब्जी की नीलामी की, जिससे मंडी में सब्जी लेकर पहुँचने वाले व्यापारी काफी परेशान है। उन्होंने ये निर्णय लिया की जब तक मंडी में सब्जी नीलामी के समय में परिवर्तन नहीं किया जाता है तब तक भी अपनी सब्जियाँ इसी तरह बाहर ही बेचेंगे और इससे आमजनों को काफी कम कीमत में सब्जियां मिल जाएगी। इस संबंध में किसान संघ के अध्यक्ष व किसानों ने प्रतिक्रिया दी। महामारी के समय में सब्जी थोक मंडी जो है कलेक्टर के आदेश से 3 बजे रात से 6-7 बजे तक का समय निर्धारित हुआ था। अभी कोरोना काल नहीं है तो किसान ये चाहते हैं कि कोरोना से पहले जिस समय में थोक सब्जी मंडी का कारोबार होता था वो कारोबार फिर से उसी समय में किया जाए, मगर थोक सब्जी मंडी वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। उनका बाहर का माल बेचने का मेन कारोबार है तो चूंकि थोक सब्जी मंडी के कारोबारी सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये किसान अपना माल लेकर के पहले अपने व्यापारियों के पास ही जाते हैं, वहाँ नहीं बिकने के बाद माल तो वापस लेके जाएंगे नहीं, इसलिए यहाँ सड़क में उपभोक्ताओं को बाज़ार से आधे दाम में अपनी ताज़ी सब्जियाँ बेच रहे हैं और किसानों को भी 2 पैसे फायदा है। उदाहरण के लिए प्याज भाजी आज मंडी के अंदर में किसानों को 10 रुपये किलो मिला है, यहाँ पे 20 रुपये किलो में किसान बेच रहे हैं और 40 रुपये में जो उपभोक्ता बाज़ार में प्याज भाजी 40 के भाव में खरीदते हैं 20 के भाव में खरीद के यहाँ जा रहे हैं, तो ये बाज़ार सजने से किसानों को 2 पैसे ज़्यादा मिल रहा है और उपभोक्ताओं को भी 2 पैसे सस्ते में ताज़ा सब्जी खाने के लिए मिल रहा है। ये कामयाब हमारा बाजार रहा है। दलाल मन टाइम ला बदल नहीं सकते थे कर कारण हमन हाँ सब्जी ला बेचा था अपन रोड में कि 9 बजे के बाद घुसान गाड़ी वहाँ दलाल नहीं बेच सकी थे कर कारण हमन हाँ यहाँ ताज़ा माल ला कर बेचा था। कि हमर मन के मांग रही थी कि कोरोना पहले जो मंडी के समय रही थे वो समय हमला दे जाए, हमला अभी सुबह वाला समय में बहुत दिक्कत है, हमला एक ही काम ला हमें 4 बार करे लगते, सुबह खन के भाजी धो भीला फिर जो गट्ठा बना घर में लाके फिर खोल फिर गना, ये सब क्रिया में हमार माल अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। ऐसा नहीं हुआ भैया, कोरोना के बाद से ही हुआ है। कोरोना के पहले दोपहर मंडी था, हम लोग 2 बजे तक माल लेके ला ताज़ा सब्जी लाद रहे, थोड़ा हमारा उचित समझ हमार माल की कीमत मिले तो हम ओकर से हम खुश। अब अभी कोरोना के बाद जब सुबह मंडी हो है तो हमार माल 50% से ज़्यादा ख़राब हो जाते और हम लोग उचित दाम नहीं मिल पाए। ऊपर ग्रैनी सीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।